वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम अपना क्लास थर्ड का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं और हम इनपुट आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस में जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, वेबकैम है, माइक्रोफोन है, स्कैनर है, हम सब पढ़ चुके हैं। और फिर प्रोसेसिंग डिवाइस में सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे कहा जाता है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो मॉनिटर हैं, ये प्रिंटर हैं और स्पीकर्स एंड हेडफोन हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं अपने इनपुट और आउटपुट डिवाइस में। इनपुट क्या है, आउटपुट क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे ये हार्ड डिस्क जो है, पेन ड्राइव के बारे में, और जो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मतलब कैसा होता है। ये पेन ड्राइव जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट आवर कंटेंट। देखिए स्टूडेंट्स, हम स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं। सम ऑफ द स्टोरेज डिवाइसेस आर एज फॉलोज, ठीक है। कुछ स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है आपका हार्ड डिस्क। अ हार्ड डिस्क इज द मेन स्टोरेज डिवाइस विच स्टोर्स ऑल द वर्क वी डू ऑन अ कंप्यूटर एंड इट इज प्रेजेंट इन साइड द सीपीयू बॉक्स, ठीक है। ये सीपीयू बॉक्स जो कि आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो स्टोरेज डिवाइस, ये देखिए क्या होता है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो होती है वो मेन स्टोरेज डिवाइस होता है विच स्टोर, जो कि स्टोर करता है, भंडार करता है ऑल द वर्क, वो सारे काम वी डू ऑन अ कंप्यूटर, जो कि हम कंप्यूटर पर करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है उस चीज का भंडारण करता है। आप देखिए भंडार क्या होता है, जैसे आप फॉर एग्जांपल लीजिए, अपने घर में कोई भी चीज है, राशन है या कुछ भी चीज है, तो आप अपना वो स्टोर करके रखते हैं ना, ताकि जब भी आपको उस चीज की जरूरत पड़ेगी तो आप उसमें से ले सके और यूज कर सके, ठीक है। सेम एज ऐसे ही ये हार्ड डिस्क होती है। इसमें क्या होता है कि ये मेन स्टोरेज जो होता है वो होता है, डिवाइस होता है, और जो भी आप काम करते हो कंप्यूटर पे, ठीक है, वो सारा आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो, और वेन एवर यू नीड, जब भी आपको इसकी जरूरत पड़ती है तो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू बॉक्स, ये सीपीयू बॉक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है देखिए स्टूडेंट्स, सीडी। सीडी क्या होती है, सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। इट इज अ फ्लैट शाइनी डिस्क दैट स्टोर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। सीडी अब देखिए क्या होती है, सीडी सबने देखी होगी। सीडी का मतलब होता है जैसे कि कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। इट इज अ फ्लैट, ये क्या होती है, चपटी होती है, फ्लैट, और क्या होती है, शाइनी, चमकदार होती है डिस्क, एक डिस्क होती है दैट स्टोर्स, जो कि स्टोर करती है लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारियां जिसके अंदर होती है। सीडी सबने देखी होंगी, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कुछ भी आप डाटा है, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई शादी की वो है, तो सारी चीजें उसके अंदर आप स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट देखिए, पेन ड्राइव। अ पेन ड्राइव इज अ टिनी स्टोरेज डिवाइस, ये एक छोटा, इसे कहते हैं स्टोरेज डिवाइस होता है, दैट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, जो कि इसका मतलब क्या होता है कि बड़ी राशि में बहुत सारा जो डेटा है वो जमा कर सकता है। ये छोटी होती है दिखने में, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो जमा की जा सकती है, मीन्स स्टोर की जा सकती हैं, और कैरिड इजीली, और इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत छोटी सी होती है ना। नेक्स्ट है देखिए, हम पढ़ते हैं अपना टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर देखिए क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है वो दो भागों में क्लासिफाइड, दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। देखिए फर्स्ट है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कि इसे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, और विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे विदाउट ऑपरेट, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये क्या होता है, कंप्यूटर हैज नो लाइफ, इसकी कोई जिंदगी नहीं होती, ये बेकार होता है, इसके बिना अगर आप ऑपरेट ही नहीं करेंगे तो उसका क्या मतलब है ना। तो इस तरह से इट कंटेन्स ऑल द प्रोग्राम्स दैट आर रिक्वायर्ड टू रन द कंप्यूटर, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंप्यूटर के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं,
ठीक है, दैट आर रिक्वायर्ड, जो कि नीड होती हैं, जो कि जरूरत होते हैं रन द कंप्यूटर, कंप्यूटर को चलाने के लिए. फर्स्ट होता है देखिए विंडोज, ठीक है, एलओसी, एलओएस, एंड्रॉयड, और नेक्स्ट है आपका उबंटू. ठीक है, नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. आगे आप इसको लर्न करें, ठीक है, जो भी है. ओके, थैंक यू.